हेलो अभिमान, कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे पता है भाई, बहुत मजा आ रहा है आपको गंभीर लोगों की क्लासेस लेने में, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे बताया कि भाई जिस तरीके से आपको क्लासेस मिल रही हैं, जिस एग्जांपल्स के साथ आपको समझाया जा रहा है, तो आपको ना टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से आपके दिमाग में घुस रहा है। तो ये एक ऐसा पेपर है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपके लिए ना आसान बना दूंगा, इतनी आसान लैंग्वेज में आपको मैं समझाने वाला हूँ। तो आप जानते हो, प्रीवियस क्लासेस में हमने मेमोरेंडम के बारे में पढ़ा, हमने आर्टिकल के बारे में पढ़ा, आज एक और टॉपिक है जिसमें हम सीखने वाले हैं कि आखिर भाई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अगर बदलना पड़े तो क्या करें, क्योंकि बदलाव तो प्रकृति का नियम है। तो भाई कंपनीज के अंदर भी ना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज करना ही पड़ता है। अब उसका क्या प्रोसीजर है, क्या कंडीशंस हैं, वो सब हम आज की क्लास में समझने वाले हैं। देखिए, सेक्शन 31 जो कंपनीज एक्ट का है ना, वो बोलता है कंपनीज अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज कर सकती हैं एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, और उस स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी फिर आपको 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में डिपॉजिट करनी है। साथ में आपको लगाना है अपना चेंज्ड आर्टिकल जो आपने चेंजेस उसमें की है, ठीक है। और जैसे ही रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज उसको रजिस्टर कर देगा, आपका चेंज भाई इफेक्टिव हो जाएगा, यानी कि वैलिड हो जाएगा। बट अगर कंपनी चाहती है कि हम अपना आर्टिकल ना बैकडेट से चेंज करना चाहते हैं, तो कंपनी ये काम कर सकती है, प्रोवाइडेड ऑल्टरेशन इज इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी को उससे फायदा होना चाहिए। अगर आप 2 महीने पीछे से या 1 साल पीछे से अपना ऑल्टरेशन करना चाहते हो आर्टिकल के अंदर, तभी वो अलाउड होगा। अगर कंपनी को उसमें कोई बेनिफिट नहीं है तो वो अलाउड नहीं किया जाता है। मगर क्या आर्टिकल को ऐसे ही चेंज करने की परमिशन दे दी जाए, कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन ना हो? भाई ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आर्टिकल को चेंज करने के लिए देर आर सर्टेन लिमिटेशंस जो कंपनीज एक्ट के अंदर लगाई गई हैं। अब उस लिमिटेशंस को हम सीखेंगे, और जितने भी मैं केस लॉज आपको सिखाऊंगा ना इस क्लास के अंदर, वो सारे के सारे केस लॉज सेपरेटली आपसे ना कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन भी केस लॉ के ऊपर आपसे पूछा जा सकता है। तो पहली लिमिटेशन जो आर्टिकल को चेंज करते वक्त कंपनीज के ऊपर लगाई गई है, पहला बोलता है जी, आर्टिकल मस्ट नॉट वायलेट एनी प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। भाई तो सिंपल सी चीज है, कंपनी बनी है कंपनीज एक्ट के अंदर, तो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन आप कैसे वायलेट कर सकते हो? तो अगर आपने आर्टिकल में कोई बदलाव करना है और वो बदलाव कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट जा रहा है, तो भाई साहब फिर आपको आर्टिकल ऑल्टर करने की, चेंज करने की परमिशन नहीं मिलने वाली है। एग्जांपल देखिए, वेयर द आर्टिकल वर ऑल्टर्ड टू एक्सपेल ए मेंबर एंड रजिस्टर ट्रांसफर ऑफ हिज शेयर्स विदाउट एनी ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट। आर्टिकल में बदलाव किया गया, भाई इस मेंबर को ना हम कंपनी से बाहर करेंगे, निकाल देंगे, ठीक है, और उसके शेयर्स को हम ट्रांसफर कर देंगे विदाउट एनी ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट। अब ये जो ऑल्टरेशन करने की कंपनी कोशिश कर रही है ना, ये इनवैलिड है, बिकॉज सेक्शन 56 के अगेंस्ट जाता है ये, इसीलिए इस तरह की ऑल्टरेशन को परमिट नहीं किया गया है। सेकेंड पॉइंट आता है, ऑल्टरेशन जो भी आप करोगे वो आपके मेमोरेंडम के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। आपने कोई भी ऐसी ऑल्टरेशन करी है जो मेमोरेंडम में जो लिखा है आपने उसके खिलाफ जाता है वो, तो भाई वो ऑल्टरेशन करना आपको अलाउड नहीं करेगा कंपनीज एक्ट। तो मेमोरेंडम आपको फॉलो करना पड़ेगा। और पता है, जब मेमोरेंडम और आर्टिकल में लड़ाई हो जाए, मतलब कि किसको चुने, किसके आधार पे कंपनी चले, तो भाई मेमोरेंडम की चलती है। जैसे घर में लड़ाई झगड़ा हो जाए तो किसकी चलती है? वाइफ की चलती है भाई। तो ऐसे ही ना यहाँ पे मेमोरेंडम की चलेगी, आर्टिकल की उतनी नहीं चलेगी। तो कोई भी प्रोविजन जो आप आर्टिकल में बदलना चाहते हैं वो मेमोरेंडम के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, ऑल्टरेशन शुड नॉट बी अगेंस्ट ट्रिब्यूनल ऑर्डर। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल होता है ना, उसके ऑर्डर के खिलाफ अगर आप कोई भी ऑल्टरेशन करोगे तो भाई वो भी अलाउड नहीं होगा। चौथा पॉइंट, ऑल्टरेशन मस्ट नॉट बी डन टू इंक्लूड एनी प्रोविजन विच इज इलीगल। कोई इलीगल काम के लिए ऑल्टरेशन बिल्कुल अलाउड नहीं है। पब्लिक पॉलिसी जिससे पब्लिक को नुकसान होता हो वैसा भी अलाउड नहीं है। पांचवा पॉइंट, कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पर ना कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की परमिशन लेनी जरूरी है आर्टिकल को ऑल्टर करने से पहले। फॉर एग्जांपल, अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी को प्राइवेट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो भैया ट्रिब्यूनल की अप्रूवल आपको लेनी पड़ेगी। तो ऐसे केसेस में ऑल्टरेशन करने से पहले ट्रिब्यूनल से पूछ लेना जरूरी है, उनकी रजामंदी, उनकी कंसेंट लेना जरूरी है। छठा पॉइंट कहता जी, ऑल्टरेशन विल नॉट बी वैलिड इफ इट कॉन्स्टिट्यूट्स फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। माइनॉरिटी शेयर होल्डर वो होते हैं जिनके पास बहुत कम शेयर्स है कंपनी में। तो कोई भी ऐसा बदलाव आप करना चाहते हैं जिसकी वजह से उनके साथ फ्रॉड होने की संभावना है,
इफ कंपनी ऑल्टर इट्स आर्टिकल ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ मेजोरिटी, यानी कि बाकी को तो फायदा होगा, देन जो माइनॉरिटी है उनको नुकसान हो जाएगा। तो भाई साहब ऐसा ऑल्टरेशन करना हम आपको नहीं अलाउ करेंगे। बट इफ सच थिंग्स हैपन्स देन द कोर्ट विल इंटरवीन एंड रिस्ट्रेन कंपनी टू ऑल्टर। तो कोई भी ऐसा बदलाव जिससे सपोज 80% शेयरहोल्डर को तो फायदा होगा बट 20% को नुकसान भी होगा और ये बात कोर्ट में साबित हो जाती है, तो फिर भाई ऑल्टरेशन अलाउड नहीं किया जाएगा। इसमें केस देखिए, एक केस था राइट्स एंड इश्यूज इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड वर्सेस स्टाइलो शूज लिमिटेड। स्टाइलो शूज लिमिटेड है, इसकी जो इशूड कैपिटल थी उसके अंदर थे 36 लाख इक्विटी शेयर्स और 4 लाख मैनेजमेंट शेयर्स थे, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिखा हुआ था अंदर उसके कि भाई हर मैनेजमेंट शेयर के लिए ना 8 वोट, यानी कि एक शेयर के पास 8 वोटिंग राइट है, ऐसे समझिए इसको। शेयर होल्डर ने क्या किया, शेयर होल्डर चाहते थे कि हम आर्टिकल को चेंज करेंगे सो एज टू डबल द वोट ऑफ ईच मैनेजमेंट शेयर। अभी एक मैनेजमेंट शेयर इज इक्वल टू 8 वोट है, तो उन्होंने क्या करा भाई, हम आर्टिकल बदल देते हैं और एक मैनेजमेंट शेयर वुड बी इक्वल होगा 16 वोट्स। इसके लिए क्या करा इन्होंने, ईजीएम बुलाई और एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया टू रिफ्रेन द होल्डर्स ऑफ मैनेजमेंट शेयर्स फ्रॉम वोटिंग, कि भाई तुम वोट नहीं डाल सकते हो, उनको रिफ्रेन करने के लिए, उनको रोकने के लिए ऐसा कर दिया गया। तो कंपनी जब ये केस कोर्ट में गया तो कोर्ट ने बोला भाई देखो ऐसा है, ये जो ऑल्टरेशन किया गया है ना, ये कंपनी के फायदे के लिए किया गया है, तो इसमें हम किसी तरह का रोक नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि रूल क्या है, कोई भी ऐसी चीज जो कंपनी के फायदे के लिए आप करना चाहते हो अलाउड है, कर दीजिए बदलाव, कोई टेंशन नहीं है उसकी, ठीक है। तो यहां पर आप अपने मैनेजमेंट शेयर्स को वोटिंग से नहीं रोक सकते हैं। 7वां पॉइंट है, वैसे मैंने 6ठे पॉइंट के साथ 7वां पॉइंट थोड़ा सा मिक्स कर दिया था, बट एनीवेज उसको अलग से भी समझ सकते हैं। कोई भी ऑल्टरेशन कंपनी के फायदे के लिए किया जा रहा है, चाहे मेंबर एग्री हैं चाहे नहीं है, ऑल्टरेशन वैलिड होगा इफ इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी एज अ होल, पूरी कंपनी को उससे फायदा होना चाहिए। 8वां पॉइंट कहता कोई भी ऑल्टरेशन ना माइनॉरिटी शेयर होल्डर के ऊपर ना फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मतलब आप कोई ऐसा काम करोगे जिससे उनके साथ फ्रॉड हो जाए, कोई गलत काम हो जाए, अनफेयर हो, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर के राइट्स को रोक देता हो, तो उस केस में भाई ऑल्टरेशन अलाउड नहीं किया जाएगा। केस देखिए, इसमें दो तीन केस लॉज हैं। पहला मैनियर वर्सेस हूपर्स टेलीग्राफ वर्क्स। यहां पर क्या हुआ, द शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी पी, पी कंपनी है, उसके कुछ शेयर होल्डर्स हैं, वो कंपनी क्यू में भी शेयर होल्डर थे, तो उन्होंने क्या करा, एक रेजोल्यूशन पास करा विच वॉज फेवरेबल टू कंपनी क्यू, जिससे क्यू को तो कंपनी को फायदा होता बट पी को नुकसान हो जाता। तो जो पी कंपनी के माइनॉरिटी शेयर होल्डर से उन्होंने केस फाइल कर दिया, भाई ये तो गलत हो रहा है। तो कोर्ट ने बोला भाई जो ये रेजोल्यूशन पास किया गया ना, ये इनवैलिड है, क्योंकि ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर के अगेंस्ट है। ये सेकंड केस है, ये आप खुद करिएगा, एज एन होमवर्क लेके चल सकते हो आप इसको, ब्राउन वर्सेस ब्रिटिश एब्रेसिव व्हील कंपनी। 9वां पॉइंट, एनी ऑल्टरेशन विच इज डन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू एक्सपेल अ मेंबर इज इलीगल। कोई भी ऑल्टरेशन सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि मेंबर को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखाना है, उसे बाहर निकालना है, तो भैया वैलिड नहीं है वो ऑल्टरेशन, ठीक है, इट हैज टू बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द एंटायर कंपनी ओनली। 10th, कोई भी ऐसा ऑल्टरेशन जिससे शेयर होल्डर की लायबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, उन्हें ज्यादा शेयर में, ज्यादा कंपनी में कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, उस बंदे की रिटर्न कंसेंट के बिना ऐसा ऑल्टरेशन अगर करना चाहते हो तो वो भी वैलिड नहीं है। बट जब क्लब की बात आए या जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी बात आती है, इस केस में वो अपने मेंबर से ना ज्यादा सब्सक्रिप्शन मांग सकती हैं, इवन इफ द कंसेंट ऑफ द मेंबर इज नॉट टेकन, तो वहां पर कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वहां आप शेयर होल्डर की लायबिलिटी को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो, तो भाई पहले उनकी ना रजामंदी ले लो, उनकी कंसेंट ले लो, उसके बिना आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे। 11वां पॉइंट, ऑल्टरेशन कैन नॉट जस्टिफाई अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। भाई आपकी कंपनी ने किसी और के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, सपोज आपने लोन ले लिया, ठीक है, अब आप अपने आर्टिकल को बदलना चाहते हो, जी हम तो लोन की भरपाई नहीं करेंगे, या तो हमारी कंपनी लोन नहीं भरा करेगी, तो भाई ऐसा ऑल्टरेशन अगर तुम करोगे ना, तो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट चला गया ना, ये गलत है, क्योंकि तुम अपना पुराना किया गया कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहते हो, तो ऑल्टरेशन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को जस्टिफाई नहीं करेगा। इसमें मैंने 2 केस लॉज लिखे हैं, यहां पर देखिए, ये वाला देखते हैं, चिदंबरम चेट्टियार वर्सेस कृष्णा आइंगर, ओके, जो भी नाम है। सी वाज अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ अ कंपनी
सी को सेक्रेटरी अपॉइंट किया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स ऑफ आर्टिकल, जो मतलब आर्टिकल के हिसाब से सी को हमने सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया और आर्टिकल से हिसाब से ही उसकी सैलरी फिक्स कर दी। थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, कंपनी ने क्या करा, अपने आर्टिकल को चेंज कर दिया और सी की जो सैलरी थी उस कंपनी सेक्रेटरी की सैलरी को कम कर दिया। अब कोर्ट में केस चला गया, कोर्ट ने बोला भाई ऑल्ट्रेशन से ना किसी का कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है और ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, वैलिड ऑल्ट्रेशन माना जाएगा। कोर्ट ने बोला इट वॉज वैलिड एज अ पर्सन डीलिंग विद द कंपनी हैज टू टेक द रिस्क ऑफ इट आर्टिकल्स बीइंग ऑल्टर्ड। तो जो भी बंदा कंपनी के साथ डील करेगा उसको भी इतना सो रिस्क लेना पड़ेगा कि कंपनी अपना आर्टिकल भी बदल सकती है। बट ऐसे केसेस में ना ये भी ठहराया गया कुछ केसेस के अंदर, अगर उन लोगों को नुकसान होता है ना थर्ड पार्टी को, तो ऐसे केस में कंपनी को कुछ कंपनसेशन उनको पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ सिचुएशंस थी, ये कुछ लिमिटेशंस थी जिनको ध्यान में रखकर ही एक कंपनी के लिए पॉसिबल है कि अपने आर्टिकल को वो चेंज कर पाए। अदरवाइज आर्टिकल चेंज करना बहुत मुश्किल का काम नहीं है, सिर्फ एक स्पेशल रेजोल्यूशन 30 दिन के अंदर रजिस्टर को भेज दो और वहां से अप्रूवल मिलने के बाद भाई आपका रेजोल्यूशन सॉरी आपका आर्टिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक हमारा आर्टिकल का टॉपिक भी पूरा हो चुका है, मेमोरेंडम कर लिया, आर्टिकल कर लिया। अब जो नेक्स्ट क्लास से हम लोग शुरू करने वाले हैं वो होगा प्रोस्पेक्टस। सो डोंट मिस क्लासेस एंड कीप वॉचिंग रेगुलरली। सारी क्लासेस देखो, मैं नोट्स आपको इकट्ठे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, सारे के सारे नोट्स आपको एक साथ मिल जाएंगे पूरे कंपनी लॉ के। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की क्लासेस भी ऑलरेडी चल रही हैं, इनकेस आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो ह्यूमन रिसोर्स की क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वो भी ऑलमोस्ट रोज ही होती है। थैंक यू सो मच, अब कब मिलेंगे। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, फाइनेंस फॉर एवरीवन, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स के अंदर। इनके नोट्स, इनकी क्लासेस सारी ऑनलाइन मोड पर आपको अवेलेबल है, वो भी आप चाहो तो देख सकते हो। अब मिलेंगे अगली क्लास में, वहां पर हम शुरू करेंगे अपना नया टॉपिक प्रोस्पेक्टस। थैंक यू।